एक साथ बड़ी संख्या मरीजों की खबर मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने गांव में फूड पॉइजनिंग की जानकारी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा को दी। कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ डीएस चौहान डॉक्टरों की टीम के साथ पहुंच गए। उल्टी दस्त के शिकार करीब 65 मरीजों में से 35 मरीज की देर रात में ही उपचार के छूट कर दी गई। 15 बीमार लोगों का उनके अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं 15 लोगों को इलाज के लिए खरगोन के जिला अस्पताल लाया गया। सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। मौके पर तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि उनमें गणगौर उत्सव के दौरान माता का विसर्जन था। इस दौरान साबूदाने की खिचड़ी का स्टॉल लगाया गया था। साबूदाने की खिचड़ी खाने के करीब एक घंटे बाद ग्रामीण, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल थे, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। उल्टी दस्त के शिकार खरगोन जिला अस्पताल में भर्ती ग्रामीण इंदु प्रजापति ने मीडिया को बताया कि गणगौर विसर्जन के दौरान साबूदाने की खिचड़ी खाई थी। अचानक उल्टी दस्त होने लगे। करीब 65 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। खिचड़ी के कारण ही उल्टी दस्त हो रहे थे। इधर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अमर सिंह चौहान ने मीडिया को बताया कि उनमें फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में 15 मरीजों को लाया गया। उपचार के बाद सभी की हालत स्थिर है। उनमें 15 मरीज भर्ती हैं। करीब 35 मरीज की छुट्टी कर दी गई है। मरीजों में बच्चे भी शामिल हैं। करीब 65 मरीज फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। क्या घटना हुई? गणगौर माता विसर्जन करने गए थे, आज साबूदाने की खिचड़ी खा ली, भंडारा था रास्ते में, तो वहाँ पे आते समय खिचड़ी खा ली और आने के बाद आधे एक घंटे बाद ऐसा लगने लगा कि सिर दर्द हो रहा है और फिर उल्टियाँ चालू हो गई। उल्टी के बाद दस्त चालू हो गए, फिर ऐसे घबराहट भी होने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो अस्पताल में बता के आते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। एक खिचड़ी खाने के बाद ही ऐसा हुआ। कितने लोग होंगे? लोग होंगे लगभग 65-70 लोग। अच्छा, क्या शिकायत क्या हो रही थी? शिकायत यही उल्टी दस्त की और सिर दर्द करना, पेट दर्द करना, ऐसा हो रहा था। साबूदाने की खिचड़ी थी। अच्छा, गणगौर माता। हाँ, गणगौर माता के विसर्जन करने गए थे भंडारे के हिसाब से। तो पिंटू प्रजापत ऊनी। यहाँ अभी तक करीब 15 केसेस आए हैं, छोटे बड़े सब मिला के, और गंभीर कोई नहीं है। सबका उपचार चल रहा है, तो स्थिति सबकी ठीक है। अभी डॉक्टर पीयूष पाटीदार बीएमओ, उनसे चर्चा करी तो वहाँ करीब 12-13 मरीज अभी भर्ती हैं और 30-35 मरीज का वो उपचार करके उनको डिस्चार्ज कर चुके हैं। क्या कारण? ऐसा बताया जा रहा है कि शायद कुछ साबूदाने की खिचड़ी लोगों ने खाई थी प्रसाद के रूप में, तो उसके कारण जो है वो फूड पॉइजनिंग हुई। मतलब गणगौर के दौरान? गणगौर पर्व के दौरान। अच्छा, कितने हो गए? 30-35 ये करीब जो है वो 65-70 केसेस हो गए। 65-70 लोग उल्टी। क्या इनको, क्या दिक्कत क्या आ रही, क्या शिकायत आ रही है इनको? ज़्यादातर केसेस को उल्टी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। अब यहाँ कितने लोग लाए गए? यहाँ 15 केसेस है। क्या स्टेबल है? हाँ, स्टेबल है। मैं डॉक्टर अमर सिंह चौहान, सिविल सर्जन।